हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम खतीजा बेगम है। मेरा नाम खतीजा बेगम है। मेरा बच्चा जिद्दा में काम करता था। शेख सादिक है मेरा बच्चा, शेख सादिक है। और रूम में उन्हें सुबह उठा था, उसके बैठा हुआ था, सिर्फ दरवाजा बंद करो बोले तो ये केस करा उन्हें के उठा के फेंक दिया उसको। कौन मारे आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को पाकिस्तानी मारा है। पाकिस्तानी उन्हें भी काम करने वाला छे, पाकिस्तानी वाला मारा। हर हर वक्त उन्हें टॉर्चर करता था उसके साथ। और क्या बोलते सो, इन्हें इतना ये कंडीशन में है। देखो मेरा बच्चा शेख सादिक है उसका नाम, दवाखाने में। और क्या बोलते सो, किंग फहद अस्पताल में है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा ऐसा है और उसको सही दवा नहीं मिल रही। और अब तो उसमें क्या बोलते यार, ये आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं ये चाह रही कि मेरा बच्चा अच्छा होना। और क्या बोलते सो, मेरा बच्चा है सो अच्छा होके और मेरे को इंडिया को भेज दे। उसके साथ कुछ मेरे बच्चे की मदद भी चाह रही मैं, मेरे बच्चे की मदद भी चाह रही मैं। और मेरा बच्चा अच्छा होना। और मेरा बच्चा वेंटिलेटर पर है, सब बहुत अच्छा देख रहे थे। आम वार्ड में आने के बाद उसको सही नहीं देखे। 15 दिन तक उन्हें सही था क्यों आम वार्ड में। और उसके बाद उन्हें जो ये नली निकाले यहाँ की, उसके बाद में उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई। फिर एसी में डाल दिए उसको। जब से मेरे को 9 दिन से मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे बच्चे की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इनके पास आई, क्या नाम है, अमदेदुल्ला के पास आई। मैं आके उनसे दरखास्त ले रही मैं, ये मेरे को कुछ मदद चाहिए। शेख सादिक की वालदा है मेरे साथ। ये लोग जो है हमारे नरखी फुलबाग चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले लोग है। ये इनका लड़का जो है तकरीबन 3 साल से जिद्दा में एक वेयर हाउसिंग में काम कर रहा था, वेयर हाउस में। तो 1 जुलाई के दिन कुछ पाकिस्तानी नेशनल से बहस हुई इनके लड़के की। तो वो पाकिस्तानी नेशनल जो है इनके लड़के को उठा के नीचे पटक दिया, सर पे मार लगने की वजह से इनका बच्चा शदीद जख्मी हो गया। और 1 जुलाई 2020 से मुसस्सिर ये बच्चा हॉस्पिटल में है। तो कभी कोमा में जा रहा या कभी अच्छा हो रहा, फिर खराब हो रही उसकी तबीयत। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इंडियन एम्बेसी इन रियाद या इंडियन कॉन्सुलेट इन जिद्दा, उनकी तरफ से ना कोई बच्चे को जाके देखे अभी तक, और इनको माँ को जो है कोई मालूमात नहीं हो रही। बच्चे को खाली एक फोटो आई थी आज से कई दिन पहले कि बच्चा जो है आपका वेंटिलेटर पे है बोल के। तो मैं हमारी गुजारिश है कि मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनकी माँ को इस लड़के की सही कैफियत का पता चलना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर हो सके बच्चे की सेहत सुधर गई, वापिस ला सकते तो यहां पर ला लिए, तो ये लोग यहां पर इलाज कराने के लिए तैयार है। और क्योंकि ये वाकया जो है आज बच्चा जॉब पे रहते हुए हुआ था, तो यहां पर आने के बाद में भी जो भी अखराजात होंगे इससे कफिल से दिलाना ये इंडियन एम्बेसी की जिम्मेदारी रहेंगी। तो हमारी गुजारिश है कि मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और इंडियन काउंसुलेट इंडियन एम्बेसी इन रियाद एंड इंडियन काउंसुलेट इन जिद्दा से कि पहले तो जाके वहां पर बच्चे को देखिए, देखने के बाद में इस माँ को टेलीफोन करके बोलिए कि आपका बच्चा कैसा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करा सकते तो बहुत अच्छी बात है। इनकी माँ और इनके बहन बच्चे के बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब खानदान के लोग। ये लोग तो जाके वहां पर मिजाजपुरसी नहीं कर सकते। जितना अच्छा हो सकता है इलाज इनका मुतालिबा है, और जितना जल्दी हो सकते इनके बच्चे को वापिस भी जाइए। शुक्रिया। Successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way.
fully furnished and spacious sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.